डॉगी है यही से राइट जाना है। थोड़ा ध्यान से नैरो है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? फिर मैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू स्टूडेंट के साथ। लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड करी उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा कि 4 से 5 डेज में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस कैसे, नेक्स्ट वाले से फिर लेफ्ट लेना, यहाँ से नहीं नेक्स्ट वाला, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस कैसे है। तो वो स्टूडेंट भी मेरे साथ हैं क्योंकि ब्रदर सिस्टर हैं, दोनों लोग साथ में ही सीख रहे हैं। तो आज फिर मैं उनसे बात करूँगा कि मैं बताऊंगा आपको कि उन्होंने इससे पहले कार नहीं चलाई है। और 5 डेज तो बहुत होते हैं दोस्तों, 2 डेज के अंदर भी लोग सीख के गए हैं मेरे से, 1 डेज के अंदर भी सीख के गए। आपने अगर देखा होगा मेरे चैनल पे तो एक वीडियो पड़ी है स्विफ्ट डिज़ायर की, और लड़की US में सर्जन है और मैंने उसको सिखाया था 1 डेज में, 2 घंटे में मैंने उसको ड्राइविंग सिखाई थी, ओनली टू आवर्स में। और ऐसा नहीं है, बस कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को कैच कर लेते हैं, क्योंकि ये ड्राइविंग मल्टीटास्किंग है, इसमें एजुकेशन का रोल नहीं है। मैंने 3-4 ISO को भी सिखाया है, तो ज़रूरी नहीं कि IAS ऑफिसर बहुत जल्दी सीख जाएं, इसमें सारा गेम माइंड का है। तो आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, यहाँ से राइट लेना, जान लेते हैं इनका नाम क्या है और कितने डेज हुए हैं और कहाँ से आते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? सृजन। सृजन, कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 7th डे। 7 डेज हो गए, ओके। अभी तक आपने कौन कौन से गियर में कार को चलाया है? मैंने 1st, 2nd, 3rd। अभी तक कहीं पे प्रॉब्लम आई है आपको चलाने में? नहीं, ऐसी कोई दिक्कतें अभी कहाँ तक आ रही हैं? इसके अलावा जैसे मेरी कार से आप सीख रहे हो, 5 से 7 डेज हो रहे हैं, इसके अलावा मेरे से सीखते सीखते कोई बीच में कार चलाई है आपने? जी, मैंने ईओन चलाई। ईओन चलाई है, ओके। ये मैनुअल है, ईओन पावर स्टेयरिंग है, वो इससे बेटर चली होगी और स्मूथ चली होगी जी, क्योंकि इससे हम सिखाते हैं तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जी, कभी कोई ट्रैक्टर समझ के स्टेयरिंग टर्न कर रहा है, कभी कुछ है, तो जब सिंगल हैंड गाड़ी हम चलाते तो वो बहुत स्मूथ चलती है। तो अभी आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप अकेले कार निकाल सकते हो जी, ले जा सकते हो ना? कितने डेज हुए प्रॉपर आज? 7 डेज हो चुके हैं। तो दोस्तों, जो कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी उन्हीं के ब्रदर हैं ये, और ऐसा नहीं है कि 5 डेज में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। अगर आप थोड़ा सा वीडियोस को फॉलो करते हैं और ड्राइविंग पे फोकस करते हैं, अपनी गलतियों को समझते या नोट्स बनाते हैं, तो बहुत जल्दी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। आप देख सकते हैं कि मेरा कोई कंट्रोल नहीं, मेरे पैर एकदम पीछे हैं। वैसे भी मेरी हैबिट नहीं है क्लच ब्रेक पे पैर रखने की, क्योंकि स्टूडेंट को सिखाना है तो सारी चीज़ें उसी को देना है कंट्रोल करने के लिए। टर्निंग्स पॉइंट आ गया, अब टर्निंग्स पे देखो इन्होंने क्या किया, पहले ही 50 मीटर्स पहले इन्होंने सिग्नल दे दिया राइट का, और इनके दोनों पैर आप देख सकते हो एक क्लच पे एक ब्रेक पे है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि क्लच और ब्रेक का हमें कंट्रोल करना आ जाना चाहिए, एक्सेलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक्सेलेटर हमको वहाँ लेना होता है जहाँ पे स्पीड मेंटेन करनी होती है। लेकिन जो ये छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, टर्निंग्स होते हैं 50 मीटर 100 मीटर, यहाँ पे एक्सेलेटर का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में विदाउट एक्सेलेटर कार चलाई जा सकती है। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है 10 to 20, सेकेंड गियर की 20 to 30, यहाँ से लेफ्ट जाना है। तो होता है क्या है कि अगर आप 2 से 3 डेज न्यू लर्नर हैं, सीख रहे हैं, तो 2 से 3 दिन अगर आप बगैर एक्सेलेटर के कार को चला लेते हैं, उसमें क्या है कि आपको बारीकियां पता चल जाती, और हो सके अगर कोशिश करें कि आप शूज़ पहन के ना चलाएं, स्टार्टिंग में 3 से 4 डेज बगैर शूज़ के चला लें, जिसमें आपको पैंडल का टच फील आ जाए। होता है क्या है कि अगर शूज़ पहन के, वैसे तो शूज़ पहन के चलाना चाहिए क्योंकि जो प्रॉपर ग्रिप है वो शूज़ में आती है, ना कि स्लीपर में, लेकिन पैंडल का जो टच फील है वो बगैर शूज़ के ही आता है। अक्सर आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में कि मैं स्टार्टिंग में स्टूडेंट को 3 से 4 दिन बगैर शूज़ बगैर स्लीपर के चलवाता हूँ, फिर उसको पैंडल का टच फील आ जाता है, उसके बाद उसको खुद पता चल जाता है कि मुझे पैंडल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्लच को और एक्सेलेटर को, ये सारी चीज़ें। कार चलाने के लिए हमको दौड़ानी नहीं है, हमको सिर्फ कंट्रोलिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट और सेकेंड और रिवर्स। अगर फर्स्ट गियर सेकेंड गियर रिवर्स गियर में हमने कार सीख लिए, टर्निंग्स पॉइंट हैं, कंट्रोल करना, कार को रोक के वापस उसको बढ़ाना, उसके बाद आपको अपने आप 3rd और 4th और 5th उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ऑटोमेटिक की स्पीड की रिकॉर्डिंग, रोड की रिकॉर्डिंग आपको खुद समझ में आ जाएगा, गियर डालने का और स्टीयरिंग कंट्रोल करने का, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड गियर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप स्पीड में कार को चलाते हैं या सीखते हैं, कुछ स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और दौड़ाने लगते हैं, 10 से 15 मिनट में 10 किलोमीटर चला लेते हैं, फिर होता है क्या है कि उनकी क्लास ओवर हो गई और उनको समझ में बारीकियां जो होती हैं, जो गाड़ी रोक के बढ़ाना, थोड़ा सा रोकना फिर बढ़ाना, जैसे ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर होता है,
वो चीज आपको तभी आएगी जब आप कार को रोक के धीरे धीरे चलाएंगे। तो दोस्तों कभी भी आप कार चला रहे हो या सीख रहे हो तो आप फर्स्ट और सेकंड गियर पे ज़्यादा फोकस करें ताकि कंट्रोलिंग आ जाए और स्टीयरिंग को सही डायरेक्शन में पकड़े। जैसे कि इन्होंने देखो पकड़ रखा, बट राइट वाले हाथ से थोड़ा सा ग्रिप बना रखी है। स्टीयरिंग को हमेशा इस पोर्शन से इस्तेमाल करना चाहिए जो ये वाला पोर्शन है, ऐसे ग्रिप नहीं बनानी, क्योंकि बाइक या स्कूटी जो आप चला रहे हो तो उसमें हैबिट आपकी पड़ जाती है बाइक और स्कूटी, जिसमें कि कई बार अचानक कोई सामने आ जाता है ना तो स्टीयरिंग को टर्निंग करने की बजाय आप उसको टाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी कार प्रॉपर मुड़ नहीं पाती और एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरीके से पैरों का कंट्रोल है कि अगर आप एक्सीलेटर टू ब्रेक, अभी देखा है आपने इन्होंने कैसे पैर रख रखा है, इनका पैर जो है वो ब्रेक के सेंटर में है और राइट वाला जो लेग इनका है हल्का सा एक्सीलेटर की तरफ देखेंगे हल्का सा वी शेप में है। ब्रेक पे पैर लेके आइए आप, गुड, वापस ले जाइए एक्सीलेटर पर। इसी तरीके से थोड़ा सा पैर को पीछे और कर लो हल्का सा, गुड, अब लेके आओ ब्रेक पे। हाँ, ये होता है टू, जो हमारा शूज़ है वो अंगूठा वाला पोर्शन है ना, वो पैंडल पे रहना चाहिए, उससे क्या है ना आपको टच फील आएगा। अगर पैर ज़्यादा दबा तो आप कैसे भी दोगे, लेकिन जब उसको रिलीज़ करते हो ना वो चीज़ नहीं आ पाएगी। अभी टर्निंग है लेफ्ट का सिग्नल, और अपना लेफ्ट दबा के रखना, जितना लेफ्ट दबा के रखोगे उतना सेफ। जो बीच में ये वाइट लाइन दिख रही है इसको एज ए डिवाइडर ले लो आप। कई बार टर्निंग पॉइंट आते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो भी सामने वाला होता है वो बीच में आता है, तो आप अगर अपनी साइड में हो तो बच जाएगा। हमेशा कोशिश लोग यही करते हैं बीच में चलने की, लेकिन हमेशा अपनी साइड से चलना चाहिए। राइट दबा के निकाल लो, जाने दो। अब जहाँ पे ब्लाइंड टर्न हो, जहाँ पे ब्लाइंड टर्न हो वहाँ पे लॉन्ग हॉर्न पुश करना होता है, थोड़ा लंबा हॉर्न, ताकि सामने वाला एकदम अलर्ट हो जाए, उसको ये पता चल जाए कि कोई गाड़ी आ रही है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हॉर्न नहीं देते, ऐसे निकाल लेते हैं, सामने से कोई भी अचानक आ जाता है तो भिड़ जाती है। कोई भी ब्लाइंड टर्निंग हो वहाँ पे आपको लॉन्ग हॉर्न पुश करना, और हमेशा आप ये सोच के चलो कि कोई भी निकल सकता है। अगर ऐसा माइंड सेटअप रखेंगे ना तो फिर कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर सामने वाला स्पीड से भी आ रहा है तो आपकी गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्सीडेंट आपकी वजह से हो, सामने वालों की गलती से भी हो जाता है। अब जैसे आपने इसको ओवरटेक किया, रिक्शे वाले को किया, तो आपने लेफ्ट वाले साइड मिरर में नज़र डाली थी, क्यों नहीं डाली भाई? मैंने कल ये चीज़ बताई थी ना आपको, जब हम किसी को ओवरटेक करते हैं वो तो स्लो जा रहा है, हमने ओवरटेक किया ना, तो हमारी ड्यूटी है, हमें संभालना है, हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि उसको हमको देखना है कि हमारे लेफ्ट वाले साइड मिरर में वो प्रॉपर दिखता है राइट जाना आगे से, कि उसकी बाइक या साइकिल जो भी है निकल पाई नहीं निकल पाई है। और इस लुकिंग ग्लास में भी आप देख सकते हो, जब तक कि आपकी गाड़ी में और उसकी गाड़ी में कम से कम 2 से 3 मीटर का डिस्टेंस ना हो जाए तब तक लाइन चेंज नहीं करनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, मैंने देखा है कुछ लोग कार को टर्न करते, जैसे आप बैठे हो अभी यहाँ पे, जिस जगह आप पोर्शन कार की पोर्शन पे बैठे हो, यहाँ से 6.5 फीट आगे आपकी कार निकली हुई है, 4.5 फीट पीछे है, आपने उसको ओवरटेक किया, जहाँ पे आपका पोर्शन इतनी कार आपकी अगर निकल गई ये पोर्शन, तो आपको क्या लगता है कि गाड़ी निकल गई, और पिछला हिस्सा जो है आपने लेफ्ट दबा दिया, तो उसके बाद क्या होता है, पिछला टायर उसके पैर पे चढ़ सकता है। अगर पैदल बंदा जा रहा है, साइकिल से जा रहा है या बाइक से, तो टकरा सकता है। हमेशा आपको लाइन कब चेंज करनी चाहिए, जब इस लुकिंग ग्लास में वो प्रॉपर दिखने लगे। लुकिंग ग्लास में तब दिखेगा जब आपके कार के पीछे आ जाएगा वो, ठीक है, तभी। अक्सर हाईवे वगैरह पे देखो कुछ लोग ऐसे करते हैं, पीछे से गाड़ी आ रही थी भिड़ जाती है। हमेशा हाईवे वगैरह पे तो कम से कम 10 मीटर का कम से कम डिस्टेंस हो जाना चाहिए, तब लाइन चेंज करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो ना, वो सनकी टाइप का होता है, वो बढ़ा देता है स्पीड, वो भी अक्सर बढ़ा देता है ना। अब बढ़ा दिया, आपको आइडिया, आपने शीशा तो देखा नहीं, आपको लगा कि मेरी गाड़ी की ये स्पीड थी उसकी ये थी, आपने लेफ्ट दबा दिया, गाड़ी भिड़ गई। तो हमेशा साइड मिरर पे ज़्यादा फोकस करिए। साइड मिरर से दो हेल्प आपको मिलेंगी, एक तो आपको लेफ्ट का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कार से और रोड का जो डायरेक्शन है उस पर कितना डिस्टेंस है राइट साइड का भी, और जो ये लुकिंग ग्लास होता है इससे बैक साइड आपको दिखता है, सीधा जाना है। अब हॉर्न दे दीजिए। ये सब जो गलियाँ हैं यहाँ पर कभी भी कोई भी कहीं से भी निकल आता है, कुछ लोग हॉर्न देते हैं कुछ लोग नहीं देते हैं। और पतली पतली गलियाँ, जैसे ये रोड है, ये सिंगल रोड है, इस पर चलाना टफ है। अगर आप मुंशी पुलिया से और पॉलीटेक्निक चौराहे पर जाते हो तो वो डबल रोड है, टू वे है, तो वहाँ पे कोई सामने से कोई खतरा होता नहीं। अब इस पर क्या, अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ रही हो, जैसे स्कॉर्पियो ले लो, फॉर्चुनर ले लो, तो वो फास्ट आएगा, जल्दी वो दबाता नहीं साइड। तो ऐसी सिचुएशन में हमको पहले से प्लान करना होता है कि अब जैसे आपने पूरा राइट दबा के निकाला खड्डे की वजह से, सामने बाइक वाला आ रहा था, तो अब ऐसे अगर आपने ज़रा सा भी थोड़ा बहुत इधर कर दिया तो क्या होगा, बाइक वाला गया। हल्का सा भी अगर टच हो गई तो जितनी बड़ी गाड़ी होती उसकी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है।
बढ़ाते रहो। और ये जो वाइट लाइन बनी, इससे ये हमको पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी के लेफ्ट में साइड मिरर में देखोगे तो आपको वाइट लाइन दिख रही होगी। इससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी कार के व्हील से, पहिए से और ये वाइट लाइन कितनी, वाइट लाइन से भी देखोगे एक फिट जगह लेफ्ट में है। लेकिन वो वाइट लाइन इसलिए बनाई जाती है कि जैसे बहुत ज़्यादा जब बारिश हो रही हो या कोहरा पड़ रहा हो तो रात में लाइट जब पड़ती है तो ये चमकता है, तो हमको ये अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी रोड इतनी चौड़ी है, इससे नीचे हमको नहीं उतरना है। जाने दो, जैसे टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे आप चाहे तो ब्रेक पे भी पैर रख सकते हो, ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या है कि जैसे टर्निंग है उसके बाद तुरंत सीधा करोगे, सामने से कोई गाड़ी आ जाएगी, अगर स्पीड ज़्यादा है तो टकरा जाएगी। ये सामने लेफ्ट में आपको रोकना है, अभी लेफ्ट में मैं बताऊँगा, सीधा सीधा रोकना है, हाँ पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक, स्टॉप, हाँ स्टॉप करो, उतरना नहीं एक मिनट। अब इसको बैक गियर डालो, न्यूट्रल करके, रिवर्स गियर हो गया। अब साइड मिरर में देख लो, थोड़ा सा पीछे जाना, एकदम सीधा सीधा पीछे जाना, अभी मत काटो, अभी काट दोगे तो इसमें टकरा जाएगी। अभी कम से कम 2 मीटर आप पीछे जाओ, जाने दो, देखो कार आ रही है पीछे, एक मिनट, जाने दो, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ, एकदम धीरे धीरे, हाँ एकदम धीरे धीरे, रिवर्स में एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा क्लच, थोड़ा सा ब्रेक, जाने दो, हाँ अभी जाने दो, अभी अभी जाने दो, बस स्टॉप। अब देखो खड़ी गाड़ी अगर अगर वहाँ से आप काट देते पूरी तो क्या होती, यहाँ टकरा जाती। अब पूरी लेफ्ट काट दो फटाफट, जल्दी जल्दी, 2 राउंड होते हैं, एक राउंड एक और, फुल कट गई। अब आप धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे, अब आपकी गाड़ी खड़ी गाड़ी कट जाएगी। हम जैसे पोर्च में खड़ी करते हैं तो इस तरीके से पूरी फुल स्टीयरिंग काटनी होती है, अगर वहीं फुल काटते तो वहाँ पे टकरा जाती। अब ये पीछे लेफ्ट जाएगी, अब धीरे धीरे लेफ्ट देखते रहो, बस जाने दो धीरे धीरे, हाँ और जाने दो, और जाने दो, पूरा क्लच और ब्रेक, स्टॉप स्टॉप, बस। अब आपको जब वहाँ उतरे थे तभी सीधी कर लेनी चाहिए थी, ये थोड़ी टेढ़ी हुई गाड़ी, अब जा सकते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है ब्रदर, ओके। हाँ अब राइट का सिग्नल दो, अब इसको गियर चेंज करो, बस अब धीरे से एक एक। अब देखो यहाँ पे देखो रोड की हाइट बहुत ज़्यादा है, अगर आप सीधा चढ़ाओगे तो चैम्बर इसका टकरा सकता है, तो अगर ऐसा कभी रोड हो तो एक एक टायर चढ़ाना, राइट काट लो, पहले लेफ्ट वाला टायर चढ़ाओ फिर राइट वाला, ठीक है, जाने दो, थोड़ा और राइट काटो, स्टीयरिंग राइट काटो, हाँ बस ब्रेक छोड़ दो, जाने दो धीरे धीरे, राइट काटो, और अब देखो टेढ़ी हो गई गाड़ी एक तरफ से, जब एक तरफ से गाड़ी टेढ़ी हो गई तो उठ गई, फिर वाला टायर अपना चढ़ा लो इस तरीके से। कभी भी अगर इस तरीके से ऊँचा हो तो एक साथ नहीं चढ़ाना, नहीं चैम्बर टकरा जाता है, बढ़ा लो स्पीड, चलो जाओ रेस करो, गुड, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, वेरी गुड। जब भी गियर चेंज करते हैं तो राइट वाला हाथ जो है वो 12 o'clock पे होना चाहिए, जो बताया मैंने, इस पोजीशन पे यहाँ आना चाहिए, इससे क्या है ना कभी भी स्टीयरिंग नहीं लहराएगी। सामने हॉर्न दीजिए इसको, लंबा हॉर्न, हाँ एक बार और दो हॉर्न, गुड, जाने दो धीरे धीरे, हल्का सा राइट रखो, हाँ और रिक्शे उक्से का ना थोड़ा ध्यान रखा करो, ये लोग ध्यान नहीं देते, बिड़ा देते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों जैसे कि आपने देखा 7 days हुआ है और बहुत अच्छी कार चला रहे हैं, और चलानी भी चाहिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कार चलाने के लिए हमें बहुत माइंड टेस्ट चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि सामने वाला अगर कोई गलती कर रहा है तो हम ना करें। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। और मुझे आप FB पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव के नाम से। देखो बेटा आपने गड्ढे में कूदा दिया, गलत बात, बहुत बड़ा गड्ढा था, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान देनी है कि गाड़ी अगर लेफ्ट में, लेफ्ट के टायर को तो बचाना है, अगर आप चाहते तो हल्का राइट दबा लेते हैं, है ना, गड्ढे में नहीं कूदनी चाहिए, काफ़ी बड़ा गड्ढा था, पहले से अगर आप ध्यान देते ना रोड पे 100 meters बिफोर हमारा प्लान होना चाहिए, इसी का जाना, चलो कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।